तो हे फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो भाई, इस बार निकल गए एक खूबसूरत सा ट्रिप, रोड ट्रिप पर। और वो रोड ट्रिप कहीं और का नहीं, राजगीर का जेठियन महली का होने वाला है, जिसे बिहार का सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में माना जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे या नहीं देखे होंगे, तो फिलहाल में ये वीडियो देखिएगा और विजिट कीजिएगा जेठियन महली की तरफ, क्योंकि भाई जेठियन महली का जो व्यू है वो बेहद ही अल्टीमेट है। फिलहाल में अभी यहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे समीर भाई को, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल आप चेक किए होंगे, तो एक मुसाफिर करके हैंडल होंगे, जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत रील बनाते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर रुकते हैं और उनको कॉल कर लेते हैं कि भाई कहाँ है, नहीं है। और ट्रिप में भाई आज तो फिर से विवेक जी हैं और हमारा जो पुराना मित्र एलेक्स भाई, फिर से भाई मित्र फिर से आने वाले हैं। तो भाई तो तहलका में होने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो विजिट कीजिएगा। और ये खूबसूरत सा रोड जो कुछ दिन पहले आप लोग दिखाया था, रजौली बख्तियारपुर, देख सकते हैं कि बनकर रेडी होने वाला है, तो आप लोग का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। फिलहाल में ये खूबसूरत सा रोड ट्रिप जंगल के और पहाड़ के बीच लेके चलते हैं, क्योंकि भाई अगर बिहार से हो और जेठियन विजिट नहीं किया तो क्या विजिट किया। मिलिएगा वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए पूरा वीडियो। हम लोग निकले हुए हैं जेठियन वैली के रोड ट्रिप पर, और भाई बिहार का वन ऑफ द मोस्ट जो सीनिक वैली है वो जेठियन वैली है। और ये व्यू देख सकते हैं, ये है बिहार से टू राजगीर 4 लाइन। और भाई इसका रोड का जो चकाचौंध हो गया है वो बेहद ही खूबसूरत हो गया है। और फिलहाल में आप लोग को लेके चलते हैं एक छोटा सा ट्रिप पर, तो चलिएगा। और जो जेठियन वैली का जो व्यू है वो बेहद अल्टीमेट इसलिए है, क्योंकि एक तरफ से जो रेलवे का क्रॉस करती है और दूसरे तरफ से क्रॉस करता है रोड साइड, और बीच में खूबसूरत सा बना हुआ है हमारा रोड का ट्रिप, और उसी बीच में जो पहाड़ से कटा हुआ है व्यू भाई अल्टीमेट है। आप लोग चेक कीजिएगा, बेहद ही खूबसूरत सा व्यू दिखेगा। तो फिलहाल में अभी पहुंच गए हैं नालंदा, ये रहा सिलाब। और पूरे बिहार में जो है सिलाब का खाजा बहुत प्रसिद्ध है भाई। आप लोग कभी नालंदा या राजगीर विजिट करने जाते हो तो अगर सिलाब के रूट से जाते हो तो एक बार यहाँ का खाजा आप ट्राई करना, बेहद ही स्वादिष्ट। यहाँ का नमकीन खाजा हो या मीठा वाला खाजा हो, बेहद ही स्वादिष्ट रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों को खाजा का दुकान ही दिखेगा, सारा एकदम सजा हुआ है खाजा का दुकान। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिलहाल में जहाँ पर लोग जाना है जेठियन वैली की तरफ, उधर के लिए निकलते हैं। और उस जगह चेक करो, ये डैशबोर्ड बिहार टूरिज्म की ओर से, और ये सुंदर सा व्यू देखो आप, चेक करो। ये अभी हम लोग राजगीर से कट हुए हैं, राजगीर से जैसे ही आप गया के लिए जाने के लिए निकलेंगे, थोड़ा सा बगल में एक कट है जेठियन जाने के लिए, और ये खूबसूरत सा रोड ट्रिप जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं आप लोग को लेके इस खूबसूरत सा रोड ट्रिप पर। और फिलहाल में भाई देखो, ये जो भाई आने वाला है बिहार का, ये बेहद खूबसूरत भाई है। एक तरफ जैसे आप देख रहे हो ये खूबसूरत सा पहाड़ का व्यू, और इधर देखो पूरा खलिहान, और बीच में ये खूबसूरत सा रोड। तो चलिए बेहद खूबसूरत अल्टीमेट जेठियन वैली का व्यू आप लोग को एंजॉय करवाते हैं। तो फाइनली गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिहार का सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में से एक, जेठियन वैली के पास। और ये चेक करो यार, ये नीचे चेक करना पहले, मैं पहले अभी ड्रोन शॉट आप लोग को दूंगा जब ट्रेन आने लगेगी, क्योंकि इस ट्रिप पर जो सबसे बेहद खूबसूरत है ये नीचे देखो। अभी हम लोग से नीचे कम से कम अगर बोला जाए तो 200 फीट नीचे खूबसूरत सा रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और इसके ऊपर देखिएगा एनी टाइम जो पर्यटक है जो आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आके एंजॉय कीजिएगा। ये देखो यार, और ये पूरा जो वैली देख रहे हैं ये पूरा कटा हुआ है, पहाड़ से काट के बनाया गया है। और इसका जो डिस्टेंस की बात करें, राजगीर से 15 किलोमीटर और गया से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के बीच में ये खूबसूरत सा जेठियन वैली है। अगर आप लोग बिहार के हैं तो एक बार ये जेठियन वैली जरूर विजिट कीजिएगा, मोस्ट विजिटेड है, क्योंकि भाई यहाँ का जो सीनरी है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े जो लोकेशन होते हैं मनाली है ये सब, उस सब को ये फीका करता है। और अभी जो विंटर सीजन में है भाई यहाँ का, तो अब ड्रोन शॉट चेक कीजिएगा, बेहद ही खूबसूरत अल्टीमेट है। तो आइएगा, ड्रोन शॉट भी आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन खूबसूरत सा ये वैली पहले इंजॉय करते हैं। और हमारे साथ देखिएगा सब जितना भी पुराने मित्र थे पहुँचे हुए हैं, वो आए हुए हैं। काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था ग्रुप में कि जाना है, पर आ नहीं पा रहे थे, तो फाइनली आज पहुंच गए हैं। और नियर बाई जहाँ पे देखे तो नवोदय विद्यालय भी है जो कि जेठियन में है, तो वो सब भी आप विजिट कर सकते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। फाइनली गाइस, जैसे मैंने बताया था जेठियन वैली प्रसिद्ध है ये खूबसूरत सा सीनरी के लिए। और देखिए अभी जो मालगाड़ी पार कर रही है ये ड्रोन शॉट में दिखेगा, लेकिन हमारे पास एक एक आज ड्रोन नहीं है, आज हमारे पास ऑलरेडी 3 ड्रोन एक साथ फ्लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो शॉट है बेहद ही खूबसूरत होने वाला है।
एक एक मुसाफिर भाई जो आप लोग को रील में देखने के लिए मिलेंगे, सैम के ब्लॉग जो यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेंगे, और हम तो भाई आप लोग को प्यारा सा सन्नी भाई है ही है जो यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेंगे। पहले ये इंजॉय करो यार, ये दिस वन। अभी हमने आप लोगों को दिखाया बिहार का एक खूबसूरत सा वैली जिसे हम लोग कहते हैं जेठियन वैली। तो आपने पूरा एंजॉय किया ड्रोन शॉट के साथ, और यहाँ पर आपने देखा जो ट्रेन का जो व्यू होता है, ड्रोन शॉट हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और यहाँ का परफेक्ट सनसेट भी होता है। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं 2024 में एक रोड ट्रिप प्लान करने के लिए बिहार में, तो ये रोड ट्रिप में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और ये रोड ट्रिप अपना जो लिस्ट हो रहा है बजट लिस्ट उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ में राजगीर तो आप लोग घूम ही रहे हैं, तो आइए राजगीर भी घूमिए, एंजॉय कीजिए। तो प्यारा सा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और भाई जय हिंद।